भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। ये एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियाँ मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा वर्णित है जो इस प्रकार है। दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर वर पाया था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोगों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर की एक भी बूंद खून धरती पर गिरती, उस एक बूंद से अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। माँ काली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए ही हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। माँ काली की प्रतिमा देखे तो देखा जा सकता है कि वे विकराल माँ हैं, जिसके हाथ में खप्पर है, लहू चपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है, मगर माँ की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन रक्तबीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया। दानवों का एक बूंद खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जिह्वा पर गिरने लगा। वह लाशों के ढेर लगाती गई और उनका खून पीने लगी। इस तरह महाकाली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनको शांत करना जरूरी था, मगर हर कोई उनके समीप जाने से भी डर रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश करी। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो वे उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वे एकदम से ठिठक गई। उनका क्रोध शांत हो गया। आदि शक्ति माँ दुर्गा के विविध रूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।